दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है ईपीएफओ पेंशन को लेकर, कर सकता है बड़ा बदलाव, जानिए क्या होगा आप पर असर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारियों के पेंशन के नियमों यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में बदलाव हो सकता है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन निकालने को लेकर एक प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ पेंशन पाने की उम्र को 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें मौजूदा समय में पेंशन पाने की उम्र 58 साल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पीएफ एक्ट 1952 में बदलाव के जरिए उम्र सीमा को बढ़ा सकता है। आपको बता दें ईपीएफओ ने उम्र सीमा में बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं कर पाया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है ईपीएफओ से जल्द ही लागू कर सकता है। ईपीएफओ नियम के तहत पेंशन धारकों को 58 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन नया नियम आने के बाद उसे 2 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह व्यवस्था वैकल्पिक हो सकती है। मौजूदा नियम के मुताबिक कई जगहों पर नौकरी करते हुए अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। हालांकि इस अवधि को पूरा करने से पहले अगर आपने पैसे को निकाल लिया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। ईपीएफओ के इस फैसले से पेंशन फंड में हो रहा घाटा 30,000 करोड़ रुपए कम हो सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में दुनिया भर में पेंशन की औसत उम्र 65 साल रखी गई है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ईपीएफओ तैयारी कर रहा है कि 58 साल उम्र को बढ़ाकर 60 साल कर दिया जाए। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है, किस उम्र में ज्यादा फायदा है, 58 साल में या फिर 60 साल में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।